गुड आफ्टरनून सागर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? ठीक। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, आप लास्ट वीक भी जुड़े थे सागर और विनीता? सर यस आपकी सर। लास्ट में पता कहीं। ठीक है ठीक है ठीक। बस 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर देन वी विल स्टार्ट द टुडे क्लास। ओके ओके सर। तो लास्ट वीक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक था? सर मैं तो न्यू आ पाया था उसमें ना, अच्छा, कोई नहीं। जो आपके साथ में हुई थी। ठीक। एक्चुअल में क्या है, ये काउंसलिंग सेशंस है, दीज आर काउंसलिंग सेशन ना। आपको मतलब आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करना और हाँ जी हाँ जी। एक डिस्कशंस आपके साथ करना, ताकि आप, क्योंकि यहाँ रेगुलर क्लासेस तो होती नहीं डिस्टेंस एजुकेशन में, हाँ तो जी हाँ ये जी। काउंसलिंग सेशंस होते हैं। थ्रू दीज काउंसलिंग सेशन वी कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड शेयरिंग देयर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। सो एक प्लेटफॉर्म है, मतलब जितना टाइम मिल सके आप लोगों को ज्वाइन किया करिए ना। ओके सर। आप थे विनीता लास्ट वीक? यस सर। ठीक। सर इसकी बुक नहीं आएंगी? बुक आएंगे एक्चुअल में बेटा। क्या है कि मैं तो आपकी क्लास ले रहा हूँ, जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया, डॉक्टर सुमित प्रसाद ने, तो यस सर। आपको थ्रू जो भी आपका ग्रुप बनाया, थ्रू ग्रुप आपको अपडेट करते रहेंगे। ओके सर। मोस्ट पर वो बोल प्रोबेबली रहे हो सकता है जल्दी आ जाएं बुक्स ना, प्रिंटिंग में गई होंगी शायद। थे, ओके पर वो सर। बोल रहे वो बुक हल्द्वानी में, वो हल्द्वानी बोल रहे थे आने के लिए सर, बुक्स के लिए। सर अच्छा, तो आप लोग कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं सागर? हम देहरादून माल जगता में। हाँ नहीं तो आपका जो कोई स्टडी सेंटर होगा वहां सर, सर से स्टडी बात सेंटर करिएगा कि हमारे सर। बगल में ही है ना, तो हम हाँ आज भी गए थे वहाँ बुक्स का पता करने, तो वो बोले कि नहीं आएगी अभी बुक्स। अच्छा, नहीं मतलब अभी स्टडी सेंटर में ही चली बुक्स, जाती है। हाँ स्टडी सेंटर में गए थे ना सर, हाँ, तो आज भी गए थे पता करना, तो उन्होंने बोला कि बुक्स नहीं आई है, कि सिर्फ अच्छा 3 बुक्स मिल रखी हैं सर हमें ना, एक वो हिस्ट्री की सोशल और पॉलिटिकल हाँ साइंस अच्छा हाँ और हाँ शिक्षा एवं समाज, सिर्फ ये 3 बुक्स मिल रही है सर, बाकी जो ओके। सब्जेक्ट्स हैं अगर उनकी नहीं मिल रही है। हाँ चलो, तो कुछ अगर वेबसाइट पे डली होगी इसकी सॉफ्ट कॉपी ना, तो जब तक नहीं आती है तब तक वहां से देख लेना। सर मुझे तो हाँ जी कोई सर। बुक्स नहीं है सर। आपका कहाँ है बेटा स्टडी सेंटर? तो मेरा ये MBPG वाला है। हाँ तो रहती भी हल्द्वानी हो? जी सर। तो एक बार पूछ लेती टेलीफोन से ही, अगर नहीं जाना होता है तो। ओके सर, मैं कल फिर पूछवाती हूँ फिर। ठीक वैसे ये ले आए अपनी जितनी किताबें एटलीस्ट मिल जा रही उतनी तो आप कलेक्ट कर लीजिए। यस सर। वो इसमें चैप्टर्स कितने आएंगे वैसे सेमेस्टर में? किसमें? नहीं, सेमेस्टर वाइज में चैप्टर किसमें कितने आएंगे इसमें? सेमेस्टर वो तो बुक में, जैसे मुझे लगता है आपके 12 या 15 वो हैं चैप्टर लेसन इस वाले, जो ये मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। अच्छा तो पूरे आएंगे सर ये सेमेस्टर, मतलब बटेंगे उसमें कुछ? अच्छा ना ना ना, ये पूरे हैं, ये तो पूरी एक बुक है ना बेटा, पूरे सेमेस्टर की। ठीक है सर। तो फिर अलग अलग सेमेस्टर के अलग अलग बुक आएंगी? हाँ, जैसे इस सेमेस्टर की अलग बुक है, अगले सेमेस्टर की अलग बुक है। ठीक ओके सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। तो थोड़ा सा मैं आपके साथ जनरल डिस्कशन भी कर लूंगा, है ना, आपके अगर कोई और क्वेरी हो। वैसे तो द क्लास विच आई एम गोइंग टू टेक दैट इज बेस्ड ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट, है ना, मार्केटिंग ओके सर। मैनेजमेंट की है। अगर आपकी वैसी क्वेरी है, थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करना चाहेंगे, वो भी हम बात कर लेंगे, है ना। ओके सर। आपके डाउट्स होंगे तो पहले मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता दूंगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है और किस तरह से, हाउ इट्स फंक्शनिंग, नीड, इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। ओके सर। इलावा अगर आप कुछ टाइम जो बचेगा उसमें हम ऐसे डिस्कशन कर लेंगे। एक मैं आपके साथ अटेंडेंस शीट भी शेयर करूंगा, है ना, जैसा लास्ट वीक किया होगा उन्होंने, तो यस सर। यस सर। आप अपने अटेंडेंस मार्क कर देना भाई। ओके एक मिनट और वेट कर लेता हूँ अभी। आप एक जुड़े हैं सागर, ज्योति, प्रमोद, विनीता, ये 3-4 लोग जुड़े हैं। अगर कोई और जुड़ता है देन दे आल्सो वेलकम, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट।
एक बार आप सब अपना वीडियो ऑन करना, टर्न ऑन योर वीडियो प्लीज, सो दैट आई कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ योर ऑल ऑफ यू। सागर ने किया है, प्रमोद है, ज्योति है, देन वी हैव मनोज कुमार। ओके भाई, 1 मिनट के लिए ऑन करना, फिर ऑफ कर देना आप। मनोज कुमार, आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा बेटा। ओके मनोज, आप भी करिए तो मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट लूं फिर। ओके आप कर लीजिए, टर्न ऑफ कर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड कॉमर्स, माई सेल्फ डॉक्टर गगन सिंह एंड आई एम इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू दैट इज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट, वट इज मार्केटिंग, वट इज मार्केट, एंड वट आर द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग कॉन्सेप्ट, वट आर द डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जितने भी अलग अलग इशूज हैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन रेज योर क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस सेशन, वो हम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट, यू कैन आस्क मी। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन विद यू। हेलो, आपको ये स्क्रीन दिख रही है? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, सो एज आई टोल्ड यू द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद दैट इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग मैनेजमेंट। आपको दोनों लैंग्वेज में बोलना है या एक ही लैंग्वेज में कंफर्टेबल, आप हिंदी और इंग्लिश? तो दोनों में ओके ठीक है, तो आई विल यूज बोथ द लैंग्वेज। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बेटा वो दैट इज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। जो इसमें इश्यूज डिस्कस करेंगे हम, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केट, क्या होता है विपणन जिसको हिंदी में बोलते हैं, मार्केट बाजार किसको कहते हैं, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग वी विल डिस्कस, देन वी हैव द डिफरेंस बिटवीन द मार्केटिंग एंड सेलिंग इसके बारे में जानेंगे, डिफरेंस बिटवीन द वेरियस मार्केट कंसेप्ट एंड देयर डिफरेंसेस, अजम्पशंस ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिश्र किसे कहते हैं, मार्केटिंग प्रोसेस क्या है, मार्केटिंग विपणन प्रक्रिया किसको बोलते हैं, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इसके मार्केटिंग के क्या कौन कौन से कार्य हैं, मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है मतलब विपणन का वातावरण किस तरह का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दैट वी विल डिस्कस, देन वी हैव मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिटरमाइन मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजर एंड एम्प्लॉयज। सो दीज आर द इश्यूज विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ड्यूरिंग दिस सेशंस। सो फर्स्टली वी स्टार्ट विद द मार्केटिंग। मार्केटिंग बेसिकली क्या है बेटा, इन ओल्डर एज यू कैन सी दैट मार्केटिंग इंक्लूड ओनली बाइंग एंड सेलिंग्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। पुराने टाइम में क्या होता था कि जो भी सामान मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा जो बनाया जाता था दैट इज इजिली सोल्ड टू द कस्टमर, मतलब कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन प्रोडक्ट की नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन एज द टाइम पासिस ऑन द कंपिटिशन इंक्रीजेस, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग केम इन टू एग्जिस्टेंस। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग वन एग्जांपल ऑफ टूथपेस्ट।
पहले हम एक ही नाम जानते थे, कोलगेट, आज भी वही नाम हम यूज करते हैं क्योंकि इतनी पब्लिसिटी उसकी थी कि अगर हम पेप्सोडेंट या अदर कोई क्लोजअप भी लेते हैं तो हम बोलते हैं कोलगेट देना है। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्डर टाइम। बट नाउ जब आपके पास देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको प्रमोशन करनी पड़ेगी, आपको उसकी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू सेटिस्फाई योर कस्टमर बाय गिविंग मैक्सिमम फैसिलिटी, सर्विसेज, क्वालिटी, प्रोडक्ट टू योर कस्टमर। सो अब जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है दैट इज टोटली चेंज। अब क्या है, देखिए, मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, क्रिएट करना, डिमांड को क्रिएट किया जाता है, देन प्रमोट द प्रोडक्ट एंड प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट टू मीट द वांट्स वांट्स एंड नीड्स ऑफ कस्टमर। सो दिस इज द न्यू डेफिनेशन और न्यू डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इन प्रेजेंट सिनेरियो। पुराने में क्या था, मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल द बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज, मतलब सामान को खरीदने और बेचने से लेके जितनी भी एक्टिविटी होती थी दैट कवर्ड अंडर द मार्केटिंग। लेकिन अब नए उसमें क्या हो गया कि अब टोटली चेंज हो गया, आपको डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है, देन प्रमोट करनी पड़ती है, और उसके बाद प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना पड़ता है। सो दिस इज द न्यू डेफिनेशन। सो मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज। आपको बताऊं, द होल मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन फोर पीस, दैट इज नोन एज मार्केटिंग मिक्स, जिसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। देन फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, प्रोडक्ट को बनाने से मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब पुराने टाइम में ही मान, लेकिन आज की डेट में टू क्रिएट द डिमांड, प्रोडक्ट को बनाने से पहले ही मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपको पहले डिमांड, यू हैव टू क्रिएट द डिमांड। आपने डिमांड क्रिएट की, देन द रोल ऑफ फोर पीस केम इनटू एग्जिस्टेंस। फर्स्ट प्रोडक्ट, उसके बाद उसकी प्राइसिंग। प्राइसिंग, देयर आर सो मेनी फैक्टर विच अफेक्ट द डिसीजन ऑफ प्राइसिंग, क्योंकि उसमें कस्टमर की नीड, वॉन्ट्स, डिजायर, उसकी फैमिली इनकम और बहुत सारे एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर जो होते हैं प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट सब आती है। प्राइस वो होना चाहिए दैट इज इजिली अप्रोचेबल, एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिकल टू द कस्टमर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज नीड्स एंड डिमांड्स एंड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। देखिए, बिजनेस, किसी भी बिजनेस का जो मेन मोटो होता है टू अर्न प्रॉफिट, सो प्राइसिंग में ये बहुत सारे फैक्टर जो है वो रोल प्ले करते हैं। देन प्रमोशन, आज की डेट में अगर आपको अपना प्रोडक्ट सबसे लार्जेस्ट स्केल पे अगर उसको सेल करना है तो यू हैव टू प्रमोट योर प्रोडक्ट ऑन ए वाइडर प्लेटफॉर्म, वेदर थ्रू रेडियो, थ्रू टीवी, थ्रू न्यूज़पेपर, देयर आर सो मेनी चैनल्स, इतने सारे जो चैनल है उसके थ्रू आप उसको यूज कर सकते हैं। माई वॉइस इज ऑडिबल, बेटा आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, ओके ओके, जहां आपको डाउट लगेगा यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। तो अब आज की डेट में मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया वो चेंज हो चुका है। नाउ मार्केटिंग देखो स्टार्ट कहाँ से होगी, मैंने आपको ओल्डर कंसेप्ट बताया, इट स्टार्ट फ्रॉम द बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज में क्या होता था कि जहाँ वस्तुओं के बदले वस्तुएं दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर मान लो जूते बनाने का काम करता है, या कोई बर्तन बनाने का काम करता है, या कोई दूसरा काम करता है, तो वो आपस में एक्सचेंज करते हैं। कोई कपड़े बनाने का काम करता है, तो देयर इज नो मॉनिटरी एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज। एक ने सामान बनाया, जिसको जरूरत है उसने उसको दिया, और उसके जरूरत का जो सामान है वो ले लेता था। वो एक ओल्डर कंसेप्ट था, लेकिन नए उसमें इरा में क्या हो गया, जहां कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो अब क्या मार्केटिंग की डेफिनेशन होगी एज पर फिलिप कोटलर, ये बहुत बड़ा नाम है इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, इनको फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ टारगेट मार्केट एट ए प्रॉफिट। देखिए, मेन मोटो क्या है आपका, टू अर्न प्रॉफिट विद कीप इन माइंड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ए टारगेट कस्टमर। मार्केट बेसिकली जो मार्केटिंग है, आइडेंटिफाई अनफुलफिल्ड नीड,
मतलब जो आपकी अनफुलफिल नीड्स है मार्केट में उसको आइडेंटिफाई करता है, डिजायर को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट को बनाता है, देन उसकी प्राइसिंग करता है, प्रमोट करता है, एंड एक आपको मैंने बताया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी प्रोडक्ट का तब तक यूज नहीं है जब तक वो उस प्लेस तक ना पहुंचा जा सके जहां पे उसकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आप ऑरेंज, आजकल संतरा बहुत उसमें चल रहा है, जैसे नागपुर महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा संतरा होता है, वो एक जगह पे है लेकिन उसकी डिमांड जो है वो पूरे थ्रू आउट द कंट्री है। नाउ द रोल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन केम इन टू एग्जिस्टेंस। आपको वो सामान उन हर जगहों पे पहुंचाना है एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट द राइट टाइम, मतलब जब उसकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अभी मतलब ऑरेंज की डिमांड है तो वो इस सीजन में होना चाहिए, ना कि उस सीजन में जब उसकी डिमांड ही नहीं है। इसी तरह से वुलन क्लॉथ्स जहाँ मैक्सिमम बनते हैं, जैसे पंजाब को हब माना जाता है, जैसे लुधियाना में बहुत ज्यादा होल्सरी उसकी फैक्ट्री है, तो वहां से सामान अगर टाइमली पूरे ऑल इंडिया में थ्रू दिस विंटर सीजन अगर नहीं पहुंचा, इन समर सीजन देर इज नो यूज ऑफ वुलन क्लॉथ्स। तो ये क्या करता है, डिमांड को पहले क्रिएट करता है। कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट आपने देखे होंगे जब व्हेन यू विजिट ए मॉल, बहुत सारा सामान जो आपकी जरूरत का नहीं भी होता उसको फ्रंट पे एज ए शो केस रखा जाता है। आप सामान कुछ और लेने गए थे लेकिन वहां पे आपने देखा कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है, देन द मेन मोटो बिहाइंड द शॉपकीपर और मैन्युफैक्चरर इज टू क्रिएट डिमांड। डिमांड क्रिएट करता है उसको अट्रैक्टिव या प्रेजेंटिंग अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करके, सो दैट यू कैन बाय और परचेज द प्रोडक्ट एंड यू ऑल्सो मोटिवेट अदर्स टू परचेज द प्रोडक्ट। दिस वे यू आर गोइंग टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर और ऑन द बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। वो इनडायरेक्ट वे में आप कर रहे हैं, आपको कोई प्रोडक्ट दिखा, यू यूज इट, आपने यूज किया और आपको अच्छा लगा, देन यू प्रमोट इट अदर टू बाय इट बिकॉज यू टेल हिम द वैल्यू एंड द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट विच यू हैव यूज। आपने जो प्रोडक्ट यूज किया उसकी वैल्यू क्योंकि आपने रियलाइज किया, आपने दूसरों को बताया और उसने भी वो प्रोडक्ट यूज किया। अब इसमें एक अलग एक नेक्स्ट टर्म आती है मार्केट। मार्केट अलग अलग सेंस में यूज होती है। मार्केटिंग में इसका जो मीनिंग है वो ये है कि मार्केट बेसिस क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ ऑल द बायर्स एंड सेलर्स इन द एरिया ऑफ रीजन अंडर कंसिडरेशन। मतलब एक कोई प्लेस जहाँ पे जितने भी बायर्स और सेलर्स इकट्ठे होते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, दैट इज नोन एज द मार्केट। इन अनदर वर्ड यू कैन से दैट ए मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हु शेयर कॉमन वॉन्ट्स एंड नीड्स एंड हु हैव द एबिलिटी टू परचेज ए पर्टिकुलर डिमांड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आपने इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी हो और ये आपको थोड़ा आइडिया हो, तो तीन टर्म्स हम यूज करते हैं, वन इज नीड, वॉन्ट एंड डिमांड। मतलब आपकी आवश्यकताएं क्या हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं और आपकी मांग क्या है। आपको इन तीनों में डिफरेंस आता है, मतलब किसी को भी अगर जो भी आता है वो शेयर कर सकता है, अगर नहीं आता तो मैं तो बताऊंगा कि मतलब नीड वांट एंड डिजायर ना सॉरी डिमांड में क्या फर्क होता है। एनीबडी एल्स अगर किसी को आइडिया हो। एनी आइडिया? चलिए कोई बात नहीं। दस दस मार्केट का जो साइज है ना किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वहां जितने लोग इकट्ठे होते हैं जो अपनी नीड को एक्सप्रेस करते हैं और जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं उनको खरीदने के लिए, वो मार्केट का साइज डिसाइड करते हैं। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज नीड वांट एंड डिमांड, आपको बड़े सिंपल एग्जाम्पल में बताऊं, जैसे फूड और शेल्टर मतलब खाना और रहना, ये हमारी क्या है, बेसिक नीड है, मतलब जरूरत है, इनके बिना हम नहीं रह सकते। सो दीज ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नीड। वॉन्ट की बात कर रहे हैं, WNT वॉन्ट्स, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, हम बहुत चाहते हैं कि ये भी हमको मिल जाए वो भी मिल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो नीड जो है जिनके बिना हम नहीं रह सकते, और वॉन्ट ऐसी है जो अगर नहीं भी मिले तो हमारा जीवन चल सकता है। जैसे लग्जरीज जितनी भी गुड्स हैं आइटम हैं, अगर वो थोड़े समय के लिए हमें ना भी मिले तो हम उसके बगैर रह सकते हैं, लेकिन भोजन और आश्रय इसके बिना हम लंबा सस्टेन नहीं कर सकते। सो वो हमारी क्या है, नीड।
अब ये डिमांड में कब कन्वर्ट होती है? व्हेन वी हैव द एबिलिटी टू पे एंड परचेज दैट प्रोडक्ट। जब हमारे हमारी कोई नीड है, इच्छाएं भी हैं, लेकिन जब तक हमारी बाइंग पावर उसको सपोर्ट नहीं करे, तब तक वो हमारी डिमांड नहीं बनेगी। तो जो भी चीज हम खरीद लेते हैं वो हमारी क्या करती है, डिमांड। नीड थी हमारी, मतलब उसके बिना हम नहीं रह सकते थे, वो हमारी बहुत सारी होती है इच्छा, लेकिन जब तक एबिलिटी टू बाय इट और एबिलिटी टू पे द मनी टू यूज दैट प्रोडक्ट अगर वो नहीं है, तो वो हमारी डिमांड बन ही नहीं सकती। तो ये इन तीन चीजों बहुत ही माइनर डिफरेंस है आपके कभी में, या कभी पूछ सकते हैं कि नीड वॉन्ट एंड डिमांड में क्या फर्क है। तो मार्केटिंग में यही कॉन्सेप्ट चलता है कि आपकी नीड क्या है, आपकी इच्छाएं आवश्यकताएं क्या है, इच्छाएं कौन सी है और आपकी मांग क्या है, दैट इज बैक्ड बाय द विलिंग टू पे एंड परचेज दैट प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग की महत्व क्या, क्यों जरूरत पड़ी। फर्स्ट पहला है, मार्केटिंग प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस टू द पब्लिक। आपने देखा होगा कि मार्केटिंग का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, टू अवेयर द कस्टमर टू बाय दैट प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंस है वो है, मार्केटिंग हेल्प्स बूस्ट प्रोडक्ट सेल्स। ये आपकी सेल्स को बूस्ट करती है, मतलब बढ़ाती है, उसमें हेल्प करती है, क्योंकि थ्रू एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एंड विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग, सॉरी एडवर्टीजमेंट, द डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट कैन बी इंक्रीज एंड द वॉल्यूम ऑफ सेल्स कैन बी इंक्रीज। तीसरा करती है, मार्केटिंग बिल्ड्स कंपनी रेपुटेशंस। इट ऑल्सो बिल्ड कंपटीशन थ्रू प्रमोशन, थ्रू प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट। इफ योर प्रोडक्ट हैव सम वैल्यू, देन डेफिनेटली इट बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ अ दैट कंपनी। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट वन इज मार्केटिंग प्रमोट प्रोडक्ट अवेयरनेस, ये अवेयर करता है पब्लिक को कि दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट। देन मार्केटिंग हेल्प बूस्ट प्रोडक्ट सेल, ये आपकी प्रोडक्ट की सेल को बूस्ट करता है। देन मार्केटिंग बिल्ड्स कंपनी रेपुटेशन, ये कंपनी की रेपुटेशन को भी बिल्ड करता है थ्रू प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट एंड थ्रू प्रेजेंटिंग योर इमेज, गुड इमेज बाय प्रोवाइडिंग ऑल द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। देन वी हैव स्कोप ऑफ मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग का क्या क्षेत्र है, मतलब कहाँ कहाँ मार्केटिंग। देखिए, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग कंटिन्यूसली रिसर्च करता है, रिसर्च इन द सेंस कि हाउ दे कैन इंक्रीज द सेल वॉल्यूम ऑफ एनी कंपनी, एनी फॉर्म। दूसरा, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि डिमांड क्रिएट हो गई, आपने अनसेटिस्फाइड नीड्स एंड डिमांड्स को क्रिएट किया, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू डेवलप द प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन, प्राइसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग, दैट हाउ यू आर गोइंग टू फिक्स द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, बिकॉज इट डायरेक्टली इफेक्ट योर सेल्स वॉल्यूम। इफ द प्राइस इज वेरी हाई, देन नोबडी विल परचेज द प्रोडक्ट। सो प्राइस शुड बी एट पार, इट शुड बी इकोनॉमिकल, इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल द कस्टमर बाय कीपिंग इन माइंड द इनकम, फैमिली इनकम ऑफ फैमिली। बिकॉज एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, अगर भारत को हम एग्जाम्पल लें, तो मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक आर लिविंग इन रूरल एरिया। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि प्राइसिंग ऐसी हो और जो हर व्यक्ति के एक्सेसिव, मतलब अप्रोच में हो, उसको एक्सेसिबल हो, उसको वो यूज कर सके। फाइनेंसिंग का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज मार्केटिंग में इन्वॉल्व होती है, रिसर्च से लेके आपके प्रमोशन से लेके एडवर्टीजमेंट से लेके। सो फाइनेंसिंग इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ मार्केटिंग। देन इंश्योरेंस, वाई इंश्योरेंस इज द स्कोप ऑफ मार्केटिंग, बिकॉज वेन वी आर सप्लाइंग, वेन ए सप्लायर सप्लाई गुड फ्रॉम प्लेस ए टू बी, देन इंश्योरेंस केम इन टू एग्जिस्टेंस, बिकॉज
जब आप सामान को भेजते हैं तो सामान को लॉस होने मतलब टूटने फूटने का या आग लगने का, देयर आर सो मेनी रिस्क इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजिशंस और ट्रांसपोर्टेशन गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो इंश्योरेंस केम इनटू एग्जिस्टेंस। देन एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन जिसको हिंदी में बोलते हैं, विज्ञापन का बहुत बड़ा रोल है। आप देखते हैं कि कोई भी टीवी प्रोग्राम, सीरियल या रेडियो में कोई प्रोग्राम, देन बीच बीच में वो जो स्लॉट आते हैं विज्ञापन के कि ये प्रोडक्ट यूज करिए, इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट विच इज न्यू एंड विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। ऑल्सो एडवर्टाइज हेल्प इन डिफरेंशिएट प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ए टू मैन्युफैक्चर बी, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को बनाने, सेम प्रोडक्ट को आपने देखा होगा कई कंपनीज बनाती है, जैसे टूथपेस्ट का मैंने एग्जाम्पल लिया, या पेन का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, या सो मेनी गार्मेंट्स का ले लीजिए, कई कंपनियां उसको बनाती हैं। तो आपको अपना प्रोडक्ट दूसरे से डिफर बताना है, तभी तो कोई आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। देन मार्केटिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि वो आपके, अगर मान लो कोई फूड प्रोडक्ट है तो उसके इंग्रेडिएंट्स को बताती है कि इसका कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो दिस वे यू एडवर्टीजमेंट डिफरेंशिएट प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंपनी ए टू कंपनी बी। तो एडवर्टीजमेंट भी मार्केटिंग का एक इम्पोर्टेंट स्कोप है। देन आपको ये भी मालूम होना चाहिए, यू मस्ट नो अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द दीज टू टर्म, प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट क्या बेसिकली इज ए फिजिकल आइटम विच यू कैन टच। ए प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू द मार्केट टू सेटिस्फाई ए नीड ऑफ वॉन्ट। यूजली द वर्ड प्रोडक्ट सजेस्ट ए फिजिकल ऑब्जेक्ट विच इज अवेलेबल, यू कैन टच इट। ओके, बेसिकली द पर्पज ऑफ दिस प्रोडक्ट इज टू सेटिस्फाई ए नीड ऑफ वॉन्ट ऑफ एनी कस्टमर, जैसे फॉर एग्जाम्पल सच एज ए कार, टेलीविजन एंड सेट और ए बार ऑफ सॉल्ट। ये वो सामान है जिनको आप देख सकते हैं, फिजिकली आपके सामने अवेलेबल है। इन एडिशन टू टेंजिबल गुड्स, टेंजिबल गुड्स मीनिंग विच वी कैन फील, विच वी कैन टच। प्रोडक्ट्स इंक्लूड सर्विसेज, सर्विसेज क्या है बेसिकली, विच आर एक्टिविटीज और बेनिफिट्स ऑफर्ड फॉर सेल दैट आर एसेंशियल इंटेंजिबल, मतलब जिनको हम देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने टीवी परचेज किया, टू इंस्टॉल दैट टीवी द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दैट सेलर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टीवी और फ्रिज और एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। बेसिकली इट इज इनटेंजिबल विच वी कैनॉट टच इट, बट दीज आर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय सेलर टू सेटिस्फाई यू, टू गिव यू मोर सेटिस्फेक्शन एंड टू रिटेन दैट कस्टमर फॉर ए लॉन्गर टाइम एंड डू नॉट रिजल्ट इन द ऑनरशिप एनीथिंग। मतलब इसमें ऑनरशिप का कोई ऐसा रोल नहीं कि आप ऑनरशिप ट्रांसफर कर, लेकिन एज फार एज द प्रोडक्ट इज कंसर्न यू आर गिविंग ऑनरशिप टू अदर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने रेफ्रिजरेटर या आपने एसी परचेज किया, देन यू आर गिविंग द ऑनरशिप टू दैट कस्टमर, बिकॉज आफ्टर बाइंग सेलिंग इट टू अदर देन ही और शी हैज इनडायरेक्टली गॉट द ऑनरशिप ऑफ दैट प्रोडक्ट, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज मीन्स बैंकिंग, बैंकिंग इज कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। एयरलाइन, होटल एंड हाउस होल्ड अप्लायंस रिपेयर सर्विस, दे ऑल आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। दीज आर द कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मैंने आपको बताया नीड्स, वॉन्ट्स एंड डिमांड, देन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, देन वी हैव द वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन दैट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज इफ देयर इज नो वैल्यू इन द प्रोडक्ट एंड इट फेल टू सेटिस्फाई द नीड एंड वॉन्ट्स ऑफ द कस्टमर, देन देयर इज नो यूज, नो वन विल परचेज, नो वन विल रिपीट योर प्रोडक्ट इन फ्यूचर। एक्सचेंज प्रोसेस इज देयर बिकॉज बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। वन पेज सम अमाउंट फॉर द यूज ऑफ प्रोडक्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज द एक्सचेंज प्रोसेस, बिकॉज वन इज पेइंग समथिंग एंड यू आर गेटिंग फॉर द सेम इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। देन वी हैव द मार्केट इज देयर एंड मार्केटिंग इज देयर, सो दीज आर द फोर कॉन्सेप्ट। द होल मार्केटिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर फोर पीस, दैट इज नोन एज द मार्केटिंग मिक्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। द एनालिसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू क्रिएट,
एंड मेंटेन बेनिफिशियल एक्सचेंज विद टारगेट बायर्स फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब क्या इसका मीनिंग है, देखिए एवरी बिजनेस हैज देयर सम ऑब्जेक्टिव दैट इज नोन एज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एंड हाउ वी कैन अचीव इट, हाउ दैट पर्टिकुलर फर्म अचीव इट, टू क्रिएट बिल्ड एंड मेंटेन बेनिफिशियल एक्सचेंज विद टारगेट बायर्स। आपके एक टारगेट बायर होते हैं क्योंकि आप पूरे एरिया को कवर नहीं कर सकते, यू हैव टू टारगेट योर बायर, बट कीपिंग इन माइंड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव दैट इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर, टू अर्न द प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग द कस्टमर। अब अर्न द प्रॉफिट तक तो आपको लगा होगा कि ठीक है, वाई टू सेटिस्फाई द कस्टमर, बिकॉज दिस इज नॉट वन टाइम प्रोसेस, यू हैव टू रिटेन इन द मार्केट। अगर आप मार्केट में आपको रहना है और आपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं किया बाय गिविंग इट प्रॉपर सर्विसेज एंड अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, तो आप अगली बार अपने प्रोडक्ट को सेल ही नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मीन्स टू रिटेन द कस्टमर फॉर ए लॉन्गर पीरियड। दीज आर द नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। पहला क्या है इसका, टू आइडेंटिफाई द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। आपने पता लगाना कि जो हमारा कस्टमर है उसकी नीड एंड एक्सपेक्टेशन क्या है। सेकंड वन इज ह्यूमन प्रोसेस। मार्केटिंग इज बेसिकली ह्यूमन प्रोसेस। इन द होल प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। द होल मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर है, प्राइसिंग के ऊपर है, प्रमोशन के ऊपर है, मतलब प्लेस क्रिएटिविटी है, प्राइस की क्रिएटिविटी है, और डिजाइन, मतलब हर चीज में अगर आपकी क्रिएटिविटी मार्केटिंग के अंदर दिखती है। एक्सचेंज इज द बेस ऑफ मार्केटिंग। इफ देयर इज नो एक्सचेंज देन मार्केटिंग हैज नो एग्जिस्टेंस। फॉर मार्केटिंग यू मस्ट एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज टू द अदर। नेक्स्ट वी हैव द मार्केटिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट। कैसे है साइंस एंड आर्ट? साइंस में आपने देखा है देयर इज अ फिक्स नॉर्म्स, इन द सेम वे मार्केटिंग हैव द फिक्स रूल दैट इज बेस्ड ऑन द होल मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन दैट फिक्स रूल्स। साइंस की तरह हम रिजिड तो नहीं है इसमें, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन सम रूल्स। आर्ट मीन्स हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट एंड हाउ टू क्रिएट एंड रेज द डिमांड। सो दिस इज एन आर्ट। सो दैट्स वाई वी कैन कॉल इट मैनेज मार्केटिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट। इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेल। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेल, बिकॉज सेल हैज वेरी लिमिटेड स्कोप एंड इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग हैज अ वाइड स्कोप। इट्स अ डायनामिक प्रोसेस। देर इज नो रिजिडिटी इन दिस प्रोसेस। एज एंड वेन वी चेंज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वी कैन चेंज इट एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। इट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सम प्लेसेस एंड सम मैन्युफैक्चर। इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस यूज बाय मैनी दोज हु आर इन दिस फील्ड ऑफ मार्केटिंग। दे यूज दिस प्रोसेस। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी, बेसिकली प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, ऑल दीज एक्टिविटीज दीज आर इंटीग्रेटेड विद मार्केटिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कस्टमर सेंटर्ड प्रोसेस। The basic, you can say, the important concept in the whole marketing is revolving around the customer. क्योंकि जितना भी हम ये काम कर रहे हैं मार्केटिंग के अंदर, चाहे वो प्राइसिंग हो, प्रमोशन हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, फिजिकल सारा का सारा हम किसके लिए कर रहे हैं? कस्टमर के लिए कर रहे हैं। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एट कस्टमर सेंटर्ड प्रोसेस। अगर मैं आपसे एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछूं, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कस्टमर एंड कंज्यूमर्स। आपने दो टर्म वैसे भी सुने होंगे, अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपने सुना होगा कि दो टर्म्स यूज होते हैं, वन इज कस्टमर एंड अनदर वन इज कंज्यूमर। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? एनी आइडिया? आप में से कोई भी, जिसको जो भी समझ आता हो, ज्योति, मनोज, राखी, सागर, उमेश, कोई भी आपका आइडिया, विनीता, कंज्यूमर और कस्टमर में आप क्या फर्क समझते हैं? सर कस्टमर जो होता है वो मतलब किसी भी वस्तु हाँ को खरीदता है और उपभोक्ता कंज्यूमर होता है क्या?
जो भी आपको लगता है कोई ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप मतलब क्यों आप फील करते हैं मतलब कस्टमर और कंज्यूमर के बारे में। कस्टमर जो होते हैं ना सब चीजों को खरीदता है, और जो होता है वो चीजों को बेचता है। कौन एक उपभोक्ता होता है और एक उत्पादक तरीके से सर। उत्पादक तो प्रोड्यूसर हो गया, अंग्रेजी में उसको प्रोड्यूसर बोले, हिंदी में उसको उत्पादक बोलेंगे, ठीक है। कस्टमर को क्रेता भी बोलते हैं। वो जी कस्टमर जो केवल वस्तु को खरीदता है, और जो वस्तु को खरीदता है वो कौन है बेटा? कस्टमर कस्टमर। ठीक, और कंज्यूमर? जो सर उपभोग, जो उसका उपभोग करते हैं सर। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल क्लोज पहुंच गए। देखो एक और टर्म होती है, मैं आपको बताऊं जैसे कंफ्यूजन करने के लिए आपको आगे, एक होता बायर, क्रेता यस सर, जिसको बोलते हैं ना, यस सर, तो होने को तो वो भी सामान खरीदता है, पर हाँ कस्टमर और कंज्यूमर में जो आपने बताया ना बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। जैसे कस्टमर कोई भी हो सकता है, जैसे दुकान में जैसे मॉल में हम गए ना तो यस वहां सर, बहुत सारे कस्टमर होते हैं, है ना, सामान यस खरीदा सर, उन्होंने, पर जरूरी नहीं है कि उसको वह उपभोग करें, है यस ना, सर, उसको कंज्यूम करने वाला। जैसे मान लो पेरेंट्स गए, उन्होंने कुछ सामान यस खरीदा, बेबी प्रोडक्ट्स, है ना, कंज्यूमर यस उसका कोई और है, एंड यूजर मतलब वो यस बेबी सर, है, मान लो जैसे कोई मिल्क पाउडर लिया उसके लिए ना, तो यस ये सर, बड़ा माइनर सा डिफरेंस है उनके बीच में। तो आप जरा इसको मतलब इसके बाद देखना इन तीनों का अपने फर्दर नॉलेज के लिए, एक कस्टमर, कंज्यूमर्स और बायर्स, है ना, इन तीनों के बारे यस में सर, आप जानना कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे देखो डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग एंड सेलिंग में जो डिफरेंस है, सेलिंग ओके सर, है ना, ठीक है, ओके बेटा, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग? मार्केटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू सेल द प्रोडक्ट्स बाय सेटिस्फाइंग द कस्टमर, लेकिन सेलिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट, ठीक। स्कोप जो है वो मार्केटिंग का स्कोप बहुत वाइडर है, लेकिन सेलिंग का स्कोप मार्केटिंग से कम है, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग, सेलिंग कम्स अंडर मार्केटिंग। सेंटर पॉइंट, मार्केटिंग का सेंटर पॉइंट कस्टमर होते हैं और सेलिंग का सेंटर पॉइंट है टू सेल द प्रोडक्ट। टारगेट क्या होता है मार्केटिंग का? टू सेटिस्फाई द कस्टमर, और सेलिंग का सेंटर पॉइंट है टू अर्न द प्रॉफिट। स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी बिफोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू क्रिएट डिमांड, और सेलिंग का होता है आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट टू सेल करना उसको। करेक्टरिस्टिक्स बेसिक की मार्केटिंग की होती है टू सेटिस्फाई द कस्टमर, स्ट्रेटेजी मार्केटिंग की टू सेटिस्फाई द कस्टमर, और उसका होता है स्ट्रेटेजी टू सेल द मोर एंड मोर प्रोडक्ट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में रहता है, लेकिन सेलिंग में क्योंकि प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां कम रखी जाती है। प्राइसिंग का बहुत ध्यान रखा जाता है मार्केटिंग और सेलिंग। प्लानिंग मार्केटिंग में वाइडर तरीके से की जाती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट को बनाने से लेके प्रोडक्ट को सेल करने तक करनी पड़ती है, लेकिन सेलिंग में ओनली टू सेल द प्रोडक्ट। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं आपके मार्केटिंग के। आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आया, देन प्रोडक्ट आया, मैं वन बाय वन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर आपके पास सेल्स आया, फिर मार्केटिंग आया, फिर सोशल आया। ये इनके डिफरेंस के डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। वेज ऑफ इनिशिएशंस, मेन पॉइंट क्या है, मेजर फंक्शन क्या है। जैसे प्रोडक्शन का मेजर फंक्शन टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का है टू प्रोवाइड द यूजफुल एंड वैल्यूएबल प्रोडक्ट टू द कस्टमर, और आपका मार्केटिंग का जो मेजर फंक्शन है टू बाइंग एंड सेलिंग द टू सेल द प्रोडक्ट विद द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर, और सेलिंग का है टू सेल द प्रोडक्ट, और आपका जो सोशल कॉन्सेप्ट है उसका है टू फुलफिल ऑल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय कीपिंग इन माइंड द ऑल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देन सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। तो ये सारे के सारे डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। अगर वन बाय वन करके हम इनको अगर देखें, द फिलोसफी दैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या था कि जो भी मार्केट में अवेलेबल है कस्टमर को वही खरीदना होता था, एंड दैट इज हाईली अफोर्डेबल एंड दैट मैनेजमेंट शुड
देयरफॉर फोकस ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ये प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जब मार्केट में आया, देखिए तो क्या हो गया, द फिलोसफी दैट कंज्यूमर्स विल फेवर प्रोडक्ट्स। अब कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट को लेगा दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर्स। अब वो नहीं है कि मार्केट में जो अवेलेबल है प्रोडक्शन वाला, वो था ओल्डर कॉन्सेप्ट। अब कंज्यूमर वो प्रोडक्ट खरीदेगा जिसमें क्वालिटी होगी, परफॉर्मेंस होगी और इनोवेटिव फीचर्स होंगे। देन सेलिंग कॉन्सेप्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। द आइडिया दैट कंज्यूमर विल नॉट बाय एनफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट अनलेस द ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक ए लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर उसमें दोनों क्वालिटियां भी हैं, अगर उसमें वैल्यू यूटिलिटी है, लेकिन कस्टमर उसको अब आज की डेट में इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि कॉम्पिटिशन है, सो मेनी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पर प्रमोट नहीं करेगी उस प्रोडक्ट को, तब तक तो वो बिकेगा। फिर आगे आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मोर वाइडर देन सेलिंग कॉन्सेप्ट। द मार्केटिंग मैनेजिंग फिलॉसफी दैट होल्ड दैट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स डिपेंड्स ऑन डिटरमाइनिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट्स एंड डिलीवरिंग डिजायर सेटिस्फेक्शन मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एज कंपिटिटर टू। अब देखिए मार्केट में कंपिटिटर भी है, अगर आपको मार्केट में लॉन्ग रन तक टिके रहना है तो आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट को बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को माइंड में रखना है, नीड्स एंड वांट टारगेट मार्केट्स को ध्यान में रखना है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देनी है, वो भी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एज कंपेयर टू योर कंपिटिटर्स, क्योंकि आपके कंपिटिटर मार्केट में अवेलेबल है। ये डिफरेंस आ गया इस कॉन्सेप्ट में। देन सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, द आइडिया दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड डिटरमाइन द नीड्स वांट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द टारगेट मार्केट्स एंड डिलीवर द डिजायर सेटिस्फेक्शन मोर इफेक्टिवली एफिशिएंटली देन कंपिटिटर्स इन ए वे। अब देखिए थोड़ा चेंज आ गया, इन ए वे दैट मेंटेन्स और इम्प्रूव्स द कंज्यूमर्स एंड सोसाइटीज वेलबींग। सोसाइटी और कंज्यूमर की वेलबींग को ध्यान में रखते हुए वो सारे काम करने हैं। तो इट इज द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग, दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। बहुत सारी एजम्पशंस है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की कि ये कंज्यूमर सेंटर्ड है। डेफिनेटली कंज्यूमर इज द किंग ऑफ एनी मार्केट। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, इंटीग्रेटेड मार्केट है बिकॉज इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अदर एक्टिविटीज। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज देयर इफ यू रन योर बिजनेस इन द लॉन्ग रन। इफ यू रिटेन इन द मार्केट देन यू हैव टू सेटिस्फाई योर कस्टमर बाय गिविंग वैल्यू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड बिकॉज देयर आर सो मेनी नॉर्म्स यू कैन सी बाय फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड दैट यू हैव टू प्रोवाइड सम सोशल सर्विसेज टू द मार्केट बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, बाय वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। सो दीज आर द पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन देना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और लोगों को वैल्यूएबल प्रोडक्ट, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। अब मार्केटिंग मिक्स, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, द होल मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन दिस मार्केटिंग मिक्स। ये कॉन्सेप्ट था, आप याद रखना, इट इज गिवन बाय नेल इन हिज 1953 अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ये है क्या बेसिकली मार्केटिंग, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। अगले आप स्लाइड्स में देखोगे, दिस इज द मार्केटिंग मिक्स कंपोनेंट्स। इट स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देन प्राइसिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, देन प्रमोट इट एंड देन प्रोवाइड दैट प्रोडक्ट फिजिकली एज एंड वेन रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। सो पूरी की पूरी आपकी मार्केट की जो बुक है आपकी मार्केटिंग, अगर आप अलग से पढ़ेंगे, सो द होल मार्केटिंग बेस्ड ऑन दीज फोर पीस। अब तो बहुत सारे पीस और भी जुड़ गए हैं इसमें, पब्लिक जुड़ गया, पॉलिटिकल, इस तरह के जितने भी पीस हैं वो मार्केटिंग का हिस्सा बन। अब तो देर आर सो मेनी पीस, मोर देन 15 और 20 पीस, बट द मेन इंपॉर्टेंट फोर पीस ऑन विच द होल मार्केटिंग इज बेस्ड, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, विच इज द मार्केटिंग प्रोसेस। द होल मार्केटिंग यू कैन सी
इस जो आपका प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आता है सिचुएशनल एनालिसिस, जिसमें 5 C आता है, कस्टमर, कंपटीटर, कंज्यूमर, इस तरह के जो 5 C हैं। फिर आपका पेस्ट आता है, ठीक है। फिर आपका आता है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, दैट इज स्वॉट एनालिसिस। देन वी हैव द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मीट द नीड एंड डिमांड ऑफ योर कस्टमर, और अपने कंपिटिटर को अगर आपने वीट करना है तो यू हैव योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देन मार्केटिंग मिक्स डिसीजन, कौन सा मार्केटिंग मिक्स डिसीजन आप यूज करेंगे। एंड फाइनली वी हैव द इम्प्लीमेंटेशन, हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन विच यू हैव टेकन। दीज आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग रिलेटेड विद मार्केटिंग रिसर्च एज आई टोल्ड यू, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इनोवेशंस, देयर आर सो मेनी चेंजेस इन मार्केट एंड यू हैव टू कंटिन्यूसली वर्क ऑन रिसर्च इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द अनसेटिस्फाइड नीड्स एंड डिमांड ऑफ योर कस्टमर। देन इट रिलेटेड विद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट, हाउ यू आर गोइंग टू डिफर योर प्रोडक्ट विद योर कंपिटिटर, रिलेटेड विद प्राइस, व्हाट प्राइस यू आर गोइंग टू ऑफर योर कस्टमर, इट मस्ट बी इकोनॉमिकल, इट मस्ट बी मीट द कंपिटिशन, रिलेटेड विद प्रमोशन, हाउ यू आर गोइंग टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, विदाउट प्रमोशन यू कैनॉट स्टे इन द मार्केट, अदरवाइज After a few time, when there is no promotion of your product, nobody knows about your product, then no will purchase buy your product. It is related with the marketing management to manage all these activities, functions, start from the productions to promotions. This is marketing environment. Marketing environment basically it encompasses all the internal and external factors. Two factors mainly involved in this marketing environment, and marketing manager must stay aware of these marketing environment in order to maintain success and tackle any opportunities that may affect their work. अब वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए इंटरनल में कौन-कौन से फैक्टर आते हैं? दैट इज कंट्रोलेबल, व्हिच कैन बी कंट्रोलेबल, कंपनी, सप्लायर्स, दोज हु सप्लाई द प्रोडक्ट, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स मींस दोज हु आर वर्किंग होलसेलर रिटेलर, यू कैन से दीज आर द इंटरमीडिएट्स एंड मे बी others. Then we have the customers, competitors, and public. All these are the internal factors of marketing internal environment. In external, that is known as the pest, political, economic, technical, okay, and S stand for social and culture. So these are the factors which is uncontrollable factor, which is not in the control of any marketing manager. Economical factor, the economy of your customers, family income, technical, there are so many technical changes in the market, social and culture, what kind of culture we are following, there is a continuously change in the culture. Then political and legal, so many policies, political changes in the in scenario, you can say. As there change in the political, the whole scenario of marketing change, because it affects your policies and it affects the marketing also. Then demographic, which kind, what type of demography you are living, either in rural, in hilly, in plain. So it depends. The whole marketing is depend upon these external environment also, and marketer must aware about these external factors in order to stay in the market, retain the market, retain in the market. Then we have the marketing organizations. Marketing organization basically is the team, those who are responsible for developing, executing, and measuring promotional advertising and branding strategies. So this is about marketing organization. As organization's word, you can call it that organization basically is the division of work, division of authority and responsibility. It is appeal to the needs of target audience with the goal of driving sales. Now I'm going to attendance with on the chat box. आप उसके साथ इसको भी फिल करना अपनी अटेंडेंस शीट, एंड द रेस्ट ऑफ स्लाइड आई विल कवर.
आपके चैट बॉक्स पे लिंक आ गया। यस सर। बेटा चेक कर लो, इज इट वर्किंग और नॉट, है ना? तो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एज आई टोल्ड यू, इट्स अ डिवीजन ऑफ वर्क, काम का सही से डिवीजन करना, कौन किस काम को करेगा, डिटरमिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हुज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, क्लैरिटी इन सेल्स फंक्शन, सेल्स फंक्शन में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी इन सेल्स प्रोसेस में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन किस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एंड हु हैज द पावर और हु कैन गिव ऑर्डर, ठीक है, अवॉइड रेपिटेशंस, क्लैरिटी इन सीनियर जूनियर पोजिशन ऑफ द एम्प्लॉय। सो दीज आर द मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव टू द डिविजन ऑफ वर्क, हु इज गोइंग टू परफॉर्म विच ड्यूटी, ओके, एंड ऑल्सो क्लैरिटी इन सेल्स फंक्शन। देन वी हैव द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, वट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच डिटरमाइन द मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, योर मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पे है तो उसका मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरीके से होगा, अगर लार्ज स्केल पे है तो उसका मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट पे, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, किस टाइप का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसके ऊपर आपका डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी कितनी मात्रा में आप कर रहे हैं उसको, व्हाट आर द फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द कंपनी ऑल्सो अफेक्ट द मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, देन मैनेजरियल पर्सपेक्टिव, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है हाउ दे आर परसीव द बिजनेस, हाउ दे आर परसीव द ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन सेंटर्ड, डिफरेंट फंक्शन ऑर्गेनाइज इन मार्केट, प्रोडक्ट सेंटर्ड, डिफरेंट प्रोडक्ट सेलिंग इन द मार्केट, देन कस्टमर सेंटर्ड मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन देयर, एरिया सेंटर्ड, डिफरेंट एरिया, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, आप उसको डिफरेंट उसमें आपने डिवाइड किया हुआ, देन एरिया सेंटर्ड मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। देन वट आर द क्वालिटीज, मार्केटिंग मैनेजर और एम्प्लॉयज में क्या क्वालिटीज, पर्सनल क्वालिटीज मस्ट बी देयर, प्रोफेशनल, ही मस्ट बी प्रोफेशनल, ऑल द प्रोफेशनल एथिक्स ही मस्ट नो, मैनेजरियल क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, एंड बेसिक क्वालिटीज, ही मस्ट हैव सम बेसिक क्वालिटी, मीन्स क्लैरिटी इन विजन और लीडरशिप की उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, सो दीज आर द बेसिक क्वालिटीज विच मस्ट एक मार्केटिंग मैनेजर और एम्प्लॉयज हैव इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केटिंग चैलेंज इन द न्यू सेंचुरीज में क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, ग्रोथ ऑफ नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग इज नाउ इन एग्जिस्टेंस, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, एंड वन मस्ट अवेयर अबाउट ऑल दीज टेक्निकल चेंजेस, देन रेपिड ग्लोबलाइजेशन, वी आर इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, सो यू हैव टू मेंटेन दैट लेवल ऑल्सो, द चेंजिंग वर्ल्ड इकोनॉमी इज चेंजिंग एंड यू मस्ट अवेयर एंड यू मस्ट कीप इन माइंड ऑल द चेंजेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑल्सो, एंड द कॉल फॉर मोर एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दीज आर द फ्यूचर मार्केटिंग चैलेंज द न्यू सेंचुरी, एंड ए मार्केटर और ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज देयर इज ए बूम चेंज इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रैपिड ग्लोबलाइजेशन इज हियर, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी। अटेंडेंस सबने मार्क कर दी, सर कोई डाउट बेटा, कुछ पूछना चाहें आप इस मार्केटिंग के बारे में, आज के सेशंस के बारे में, सेशंस कैसा था आपको, मतलब समझ में आया या कोई चीज ऐसी रही जो क्लियर ना हुई हो? सर जी, समझ में तो आ गया, पर सर ये है ना थोड़ा, मतलब कल की क्लास में सर थोड़ा मतलब हिंदी में भी हो जाएगा ना, तो बढ़िया सर, और ज्यादा अच्छे से बैठ जाएगा ठीक है दिमाग में। ठीक, कोई इशू नहीं, कोई मतलब देखिए ऐसा ना, आपके साथ जैसे बहुत सारे कुछ मतलब इंग्लिश मीडियम भी है, तो कोशिश रहती है कि बोथ लैंग्वेज यूज करें, तो आपने कह दी कोई बात नहीं, कल से आपका जो भी क्लासेस रहेंगे, जैसे भी आपके ये जो कोऑर्डिनेटर हैं इस कोर्स के, मतलब वो कल जो भी देंगे, आज तो एक क्लास था, कल से शायद आपके साथ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, जैसे प्रीवियस जो लास्ट वीक जुड़े थे उसमें भी केस स्टडीज का शायद जिक्र था, ठीक है?
जी सर, थैंक यू, थैंक ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. हेलो, 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 हेलो।